नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिग बॉस 13 की। क्या हिमांशी खुराना ने किया था बेहोश होने का ड्रामा? हाँ दोस्तों, एक वीडियो सामने आया है जिसे फैन देखकर रह गए हैरान। तो चलिए दोस्तों बताते हैं क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बिग बॉस 13 के फिनाले में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में घर का हर सदस्य शो जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अंतिम समय में घर में बने कई रिश्ते भी बिखर रहे हैं, लेकिन इसमें आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का रिश्ता अभी तक सुरक्षित है। बीते एक एपिसोड में हिमांशी बेहोश हो गई थी, तब आसिम ने उनकी काफी केयर की थी। फोटो की बारिश टास्क के दौरान हिमांशी खुराना को चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद आसिम रियाज उन्हें घर वालों की मदद से डॉक्टर के पास लेकर गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कमर, गर्दन और पैरों पर काफी प्रेशर पड़ गया था, जिससे हिमांशी खुराना बेहोश हो गई थी। लेकिन एक फैन ने दावा किया कि हिमांशी खुराना ड्रामा कर रही थी। बिग बॉस खबरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हिमांशी खुराना बेहोश नजर आ रही हैं। आसिम रियाज उन्हें लेकर जा रहे हैं, लेकिन अचानक हिमांशी का हाथ हिलने लगता है और वह आसिम को पकड़ने लगती है। फैंस इस वीडियो को देखकर हैरान है। हालांकि इस वीडियो को पूरी तरह सच नहीं कहा जा सकता और कुमार न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। बता दें कि मंगेतर चाओ के साथ हिमांशी 10 साल से रिलेशनशिप में थी। बिग बॉस से बेघर होने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। दोबारा शो में उन्होंने आसिम का कनेक्शन बनकर एंट्री ली। इसके बाद आसिम ने उन्हें प्रपोज किया। 3 जनवरी के एपिसोड में दिखाया गया कि आसिम से विकास और हिमांशी ने डिनर डेट को लेकर मजाक किया। इस मजाक को आसिम ने गंभीरता से लिया और चिढ़ गए, जिसके बाद हिमांशी भी उनसे नाराज हो गई थी। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सारे फैन हैरान हो गए, क्या हिमांशी खुराना ने सच में ड्रामा किया था? दोस्तों आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय दें हमें कमेंट करें। इस वीडियो में इतनी जानकारी। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।